बस्मीमकुम नाजरीन आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान इंसाफ में एक इशू बहुत ज़्यादा उठा हुआ है और वो ये है कि फ़ोकल पर्सन कौन है इमरान खान का हालांकि मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पहले भी जो लोग हैं वो इमरान खान की पार्टी में से थे अब भी जो लोग हैं वो इमरान खान की पार्टी में से हैं और हो सकता है कि इमरान खान साहब ने कुछ लोगों पर अतमाद किया हो और कुछ पे ना किया हो लेकिन ये सारी चीज़ें क्या इतनी बड़ी हैं कि ये एक बड़ी पोलिटिकल पार्टी की सबसे बड़ी डिबेट के अंदर कन्वर्ट हो गई खबर पहले आप देख लें फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हो रहा है बैरिस्टर घोर ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर के ऊपर एक बयान जारी किया उसमें बताया कि इमरान खान ने उन्हें और शिबली फराज को नया फोकल पर्सन तैनात किया है इसके अलावा उमर एयूब इंतज़ार हुसैन पंजूथा और सेनेटर अली ज़फ़र को भी नए फोकल पर्सनस के तौर पर तैनात किया गया है अच्छा ये जो लोग हैं ना ये इमरान खान साहब के पुराने लोग हैं उमर एूब साहब काफ़ी पिछली हुकूमत के अंदर शामिल थे सैनेटर शिबली फराज बड़े काबिल अहतमा साथी हैं इमरान खान साहब के एक दिन जब पायलट की तबीयत खराब हो गई थी तो शिबली फराज साहब खुद भी जो है वो जहाज़ उड़ा रहे थे ये एक्स पायलट भी हैं और अहमद फराज़ साहब के बेटे भी हैं तो बड़ा पुराना एक ताल्लुक़ है इंतज़ार हुसैन पंजूथा ये इमरान खान साहब के वकील भी हैं और उनके भांजे के दोस्त भी हैं और ये भी काबिल अहतमाद लोगों में से हैं और सैनीटर अली जफ़र जो हैं वो वकील हैं खान साहब के और आजकल बड़ी गुरबत है उनकी भी तो ये वो लोग हैं जिन्हें इमरान ख़ान साहब ने शामिल किया है इससे पहले जो फोकल पर्सन थे उनमें बैरिस्टर गौर तो शामिल थे उनके अलावा दो और लोग थे शेर अब्दुल मरवत और बैरिस्टर उमैर न्याजी ये फोकल पर्सन पहले पाकिस्तान तरीकान इंसाफ के चेयरमैन के लिए थे बानी चेयरमैन के लिए थे और उसके बाद जो है मजीद नाम जो है वो अब शामिल किए गए और कुछ नामों को निकाल दिया गया फोकल पर्सन का क्या मामला इतना ज़्यादा अहम है एक इतनी बड़ी पार्टी के लिए क्या ये एक चीज़ इतनी ज़्यादा अहम है तो मेरे ख्याल में एक एंगल से आप इसको देखें तो इमरान खान साहब किस को ज़्यादा ज़िम्मेदारी देना चाहते हैं और किससे ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं ये उन लोगों के लिए तो बड़ा अहम है जिन लोगों के ये मामलात हैं लेकिन क्या इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हर आदमी के लिए सोशल मीडिया पे ये बहुत बड़ी खबर बनी हुई है हर तरफ इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है ये क्यों हो रहा है देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हर तरह के लोग होते हैं कमज़ोर लोग होते हैं ताकतवर लोग होते हैं आसाबी तौर पर बहुत मज़बूत लोग होते हैं बाजा मज़बूत नहीं होते बाद अकात तो बड़े नीयत वाले लोग होते हैं बाद अकात तो काम चोर भी तो लोग भी होते हैं तो पोलिटिकल पार्टीज में करप्ट लोग भी होते हैं ईमानदार लोग भी होते हैं तो हर पोलिटिकल पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं और वक्त के साथ साथ जो है वो पोलिटिकल पार्टी जो लोग उन्हें सूट करते हैं वो आगे आते जाते हैं उस पोलिटिकल पार्टी के नज़रिए के साथ जो मैच करते हैं और जो मैच नहीं करते वो छटते जाते हैं वो साइड पे होते जाते हैं थोड़े दिन पहले मुराद सईद ने भी एक ट्वीट किया था वो ट्वीट हकीकत के बहुत करीब है वो इतनी बड़ी पार्टी बन गई है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर वो पार्टी है और इसके जोड़ की पार्टी भी कोई नहीं है इस मुल्क के अंदर तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके अंदर बेशुमार लोग होंगे लोग आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे जो पार्टी के साथ चल पाएगा यानी जो इनकी पार्टी का, पार्टी का पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो अपना एक फ्लो होगा जो अपना एक नज़रिया होगा जो उसके साथ चल पाएगा वो चलता रहेगा जो उसके साथ मैच नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली छांटी होता जाएगा यही पोलिटिकल पार्टीज में होता है यानी अगर एक पोलिटिकल पार्टी बहुत करप्ट है और बेईमान है तो आप गौर कीजिएगा कि उस पोलिटिकल पार्टी में जो करप्ट और बेईमान लोग हैं ना वो बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे एक पोलिटिकल पार्टी जो है वो बेईमानी उसके अंदर नहीं है उसके अंदर खिदमत का जज्बा है तो ऑटोमेटिकली उस पोलिटिकल पार्टी के अंदर जो बेहतर लोग हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी जगह बनाते जाएंगे अब ये हो क्यों रहा है कि छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान तरीके इन साफ़ के लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं देखें इमरान खान साहब अपनी पार्टी को लीड करते हैं और वो एक आदमी है जो पूरी पार्टी उसके गिरद घूमती है और वो पार्टी की डायरेक्शन भी सेट करते हैं उनके अलावा जितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर या उनकी शख्सियत के अंदर पार्टी का रंग मौजूद है वो सारे लोग तकरीबन आपको मंजर से ग़ायब नज़र आ रहे हैं यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो जेलों के अंदर भी हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो रूपोष भी उनको होना पड़ रहा है तो इन हालात के अंदर जो डायरेक्शन होती है पार्टी की वो लैग करती है कहीं पे मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब बाहर होते थे तो वो कोई ना कोई एक्टिविटी जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी वो उसके अंदर पार्टी को एंगेज रखते हैं जब तक इलेक्शन नहीं ना आया पाकिस्तान में आठ फरवरी का उस दिन तक ये पार्टी बड़ी मुतहरक थी और सबको एक डायरेक्शन मिली हुई थी पार्टी का एक एक कारकुन एक एक वोटर एक एक सपोर्टर जानता था कि हमने 8 फरवरी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी ड्यूटी अपने सर ली हुई है उसको हमने पूरा करना है सबके सर के ऊपर एक ही धुन सवार थी कि 8 फरवरी को अपने वोटर को निकालना है लोगों को कन्विंस करना है और मैक्सिमम वोट डालने हैं तो इसलिए आप देखेंगे कि आठ फरवरी से पहले इतने, इतने थे नहीं और कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ें थी नहीं या छोटे छोटे इशूज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता था लेकिन 8 फरवरी के बाद जब उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली तो व्हाट नेक्स्ट अभी तक मैं आपको यह बताता हूं कि पाकिस्तान इंसाफ की कीदत अपने कारकुन को कोई भी डायरेक्शन देने में नाकाम रही है यह तो कुदरत का खेल है ना कि छह जजेस का एक खत आ गया जजेस ने कहा एनफ इज़ एनफ इतना प्रेशर काफ़ी है और प्रेशर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी स्पेस हम वापस लेना चाहते हैं पिशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक खत लिख दिया कादी फायदीसा साहब को कुछ जो जुल्म और बरबरीत हुई पाकिस्तान इंसाफ के साथ मुख्तफ इलाक़ों में उन विजुअल्स ने बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ ली तो ये जो चीज़ें हुई हैं ये पाकिस्तान इंसाफ की क्यादत ने प्लान नहीं की ये कुदरती तौर पर यह हालात के पेश नज़र या मौजूदा जो हुकूमतें बनी हैं उनकी फसदाइत के पेश नज़र ये चीज़ें खुद ब खुद होती रही हैं कोई भी ऐसी डेवलपमेंट या कोई ऐसी तरीक़ या कोई ऐसी चीज़ आप नहीं गिनवा सकते जो आठ फरवरी के बाद पाकिस्तान इंसाफ ने प्लान की हो और प्लान के मुताबिक वो चली हो सवाए इसके इमरान खान साहब के वकला उनके केसेस लड़ रहे हैं केसेस भी अच्छे लड़ रहे हैं सलमान सफदर साहब ख़ास तौर पर अली ज़फ़र साहब और दीगर कुछ और वखला है केसेस तो वो अच्छे लड़ रहे हैं इमरान खान साहब के और उनकी तवज्जो है कि किसी तरह ये केसेस ख़त्म हो और इमरान खान साहब बाहर आए लेकिन क्या इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो सिर्फ कानूनी नौत के हैं तो देखिए वो सियासी नौत के हैं जब तक सियासी फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगी अपने आप को नहीं मनवाएगी तब तक इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो एक थोड़ा सा क्वेश्चन या आप कहें सपोर्ट पॉलिटिकल साइड से चाहिए वो तब तक नहीं मिलेगी और जब पॉलिटिकल साइड की सपोर्ट शामिल हो जाएगी तो वकला के लिए काम उतना मुश्किल नहीं रहेगा जितना पहले मुश्किल था चीज़ें कुदरती तौर पर होकर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सूट जरूर कर रही हैं लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ खुद से कोई प्लान करके कोई एक एक्टिविटी एक करने में या वर्कर को डायरेक्शन देने में अभी तक नाकाम रही है उसके ऊपर काम ये कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और ये काम भी तब शुरू हुआ जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं तो वो जो डायरेक्शन दे रहे हैं जेल से बैठ कर उस डायरेक्शन की बुनियाद के ऊपर अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं मिसाल के तौर पर बैरिस्टर घोड़ ने जो तरीक़ाकार तरीक़ेकारज़ा किया है वो इमरान खान साहब के दिमाग की पैदावार है कि एहतजाज किया जाए और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को तीन को तो बाहर रखें जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है यानी हमारा मैंडेट जो है वो तकसीम हुआ पी एम एल एन में एम क्यू एम में और पीपल्स पार्टी में इनको तो कर दें बाहर बाकी पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं जैसे कि बलूचिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज़ हैं बहुत सारी जैसे कि इंटीरियर सिंध की पार्टियाँ हैं जैसे कि पाकिस्तान तरीकानसाफ़ खुद है और कुछ पंजाब की पार्टियाँ हो सकता है कि तरीक़ लबैक इसके अंदर शामिल हो जाए बहुत मुमकिन है कि जमात इस्लामी एक ताकत के साथ इसमें शामिल हो जाए फजल रहमान साहब जो है वो एहताज करने पर तुले हुए हैं लेकिन पाकिस्तान तरीक़ान इंसाफ का एक पूरा धड़ा जो है वो फजल रहमान साहब पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई है वो कह रहे हैं रहमान साहब पर भरोसा नहीं कर सकते लेकिन हम ये चाहेंगे कि अगर वो एहताज करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करें हम उनको मॉरल सपोर्ट देंगे कि ठीक है आप ये करें लेकिन जिस तरह फजल रहमान साहब को पी डी एम ने सरब्राहिही दे दी थी वो यहाँ नहीं मिलेगी ये सरब्राहि जो है ये अचक जई साहब या इस तरह के लोग जो डेमोक्रेट्स हैं ये उस तरफ़ मामला जा सकता है अब उन्होंने ये कहा कि जो हमत अमली बनाई है तो इमरान खान साहब ने जो डायरेक्शन दी है पार्टी को वो ये है कि जायज़ मैंडेट जो है इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है उसके पास नहीं है धरने और बाइकआउट और इज्तमी इस्तीफ़ों का रास्ता हमने नहीं चुना ये बैरिस्टर गौर ने कहा कि ये चीज़ें हमने नहीं करनी ना इस्तीफे देने जा रहे हैं ना धरने देने जा रहे हैं और ना ही हम बाइकआट करने जा रहे हैं फिर उन्होंने कहा कि इंतबा में जो धांधली हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी अवाम किसी को वोट देते हैं और इकतदार में कोई और आ जाता है तो ये नहीं होना चाहिए इसके खिलाफ हमारी तहरीक है और ये तहरीक हम शुरू करने जा रहे हैं अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में इज़ इट पॉसिबल कि पाकिस्तान तरीकान इंसाफ कोई बहुत बड़ा एहतजाज कर पाए एक बहुत बड़ा सवाल है देखें जब इमरान खान साहब जलसा अनाउंस करते थे ना तो खर्चा भी नहीं होता आज इमरान खान अपनी जेल से बाहर कदम रखें तो इस मुल्क का जो सारा का सारा सियासी सनैरियो है वो तब्दील हो जाएगा ये मैं आपको पेशनगोई कर रहा हूं आप इसको करके देख लें कोई भी तजर्बा करके देख ले इमरान खान साहब आज जेल से बाहर कदम रख दें और उनको आज़ादी का परवाना मिल जाए तो जिस वक्त वो जेल से बाहर निकलेंगे इस मुल्क के सियासी डायनमिक्स पूरी तरह बदल जाएंगे इस मुल्क की सियासत जो है वो इमरान खान साहब के एक एक स्टेटमेंट के ऊपर अंगड़ाइयाँ लेगी और वो अपना रुख बदलेगी ये बात बिल्कुल ठीक है और यह बात सब जानते हैं लेकिन इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में या वो जब तक जेल में है या जब तक उनको नजरबंद रखा जाएगा क्योंकि बहुत मुमकिन है कि उनको बनी गला शिफ्ट किया जाए और उनको नजरबंद कर दिया जाए तो जब तक इमरान खान साहब को, तो को अंदर रखा जाएगा उस वक्त तक क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा ह्यूज अवामी प्रोटेस्ट कर पाएगी खैबर पख्तूनख्वा के बाहर देखें कराची में लोग निकलते हैं बार बार निकलते हैं लाहौर में निकलते हैं लेकिन स्कैटर्ड अलग अलग जगहों पे छोटा मोटा एहतज फिर उसके ऊपर जो है वो क्रैकडाउन भी होता है क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ लाहौर में कराची में मुल्तान में और बाकी जो शहर हैं वहाँ पर बलूचिस्तान में सिंध में और पंजाब के मुख्तु शहरों में इज़ इट पॉसिबल कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ बहुत बड़े बड़े इजतम शुरू कर दे या बहुत बड़े बड़े जलसे कर पाए और वो जो मकामी क़्यादत है वो इनको ऑर्गेनाइज़ कर पाए इमरान खान के बगैर ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है देखिए वर्कर तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बहुत बड़ी तादाद में है वोटर भी है सपोर्टर भी है लेकिन क्या मौजूदा जो क्यादत है वो कोई ऐसा एक लायामल दे सकती है ऐसी एक डायरेक्शन दे सकती है अपने कारकुन को जिस डायरेक्शन की रोशनी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कारकुन ये समझे कि इस तरीक का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है और हम निकलेंगे तो हम फर्क डाल सकेंगे तो फिर तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ कामयाबी की तरफ बढ़ेगी अब होना यह है कि सबसे पहले अगर पाकिस्तान तरीक़ान साफ कोई अमल दे जो ईद के बाद वो कह रहे हैं हम बहुत बड़ा एहतजाजी एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं दूसरा पब्लिक उसके ऊपर रिस्पोंड करे और इमरान खान की गैर मौजूदगी में जैसे लोगों ने निकल कर वोट डाला उसी तरह इमरान खान की आज़ादी के लिए या मैंडेट की वसूली के लिए पाकिस्तान तरीके इसाब का कारकुन बाहर निकले ये तो हो दो चीज़ें तीसरा अदलिया के अंदर जो एक अंगड़ाई पैदा हुई है या अदलिया के अंदर एक बेदारी जो पैदा हुई है देखिए मैं पाकिस्तान की अदलिया को बड़ी इज़्ज़त की नज़र से देखता हूँ मैंने बड़े प्रेशर्स के बावजूद जजेस को बहुत अच्छे फ़ैसले देते हुए देखा है और जिस हालत के अंदर जिन हालात में यहाँ पर हमारे जजेस काम करते हैं वो हालात भी उतने साजगार नहीं होते बेशुमारशूज़ होते हैं सिक्योरिटी समेत तो हमारे जजेस ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है बड़े बुरे हालात के अंदर भी तो उनसे उम्मीद तो है अब मामला ये है कि जिस तरह जजेज़ कुछ मामला के ऊपर स्टैंड ले चुके हैं अगर यही स्टैंड वो लिए रखते हैं और पाकिस्तान तरीक़ान इंसाफ की जो मौजूद हैं फॉर्म फोटी फाइव के मुताबिक अलेक्शन के नतज का ऐलान करने के हवाले से उन पटिशन्स के ऊपर अगर इंसाफ होना शुरू हो जाता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तरीक़ान इंसाफ की सीटें बढ़ना शुरू हो जाएंगी और हालात पलटा खाना शुरू हो जाएंगे लेकिन शबाज शरीफ साहब के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा काबिल कबूल हैं शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके ऊपर बहुत भरोसा किया जाता है शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है तो मैं अब आप, आपको तीन चीज़ें मुझे पता चली हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और ये मुख्तलि सोर्सेज से मुझे पता चली हैं अली अमीन गंडापुर ने जब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करनी थी तो उनको ये बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात है आपकी वन ऑन वन आप वज़र अजम से अकेले मिलेंगे लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जब पहुंचे पहुँचे शरीफ साहब से मिलने के लिए तो शबाज शरीफ साहब वहां अकेले नहीं थे मेरे ख्याल में इतना बताना काफ़ी है कौन लोग साथ थे यह बताना ज़रूरी नहीं है लेकिन शबाज शरीफ साहब अकेले नहीं थे नंबर दो शबाज शरीफ साहब ने नेमीन गंडापुर से जब पहली मुलाकात की जिसके अंदर बाकी लोग भी मौजूद थे तो उन्होंने ग्यारह मरतबा गंडापुर साहब को वज़ी अला खैबर पखतूनख्वा बनने पर मुबारकबाद पेश की ये ग्यारह मरतबा मुबारकबाद पेश करने का मैं सोच रहा था कि ग्यारह मरतबा क्यों मुबारकबाद पेश की तो फिर मैंने पूछा अली अमीन गंडापुर से ही पूछा मैंने मैंने कहा जी आपने उनको मुबारकबाद दी जब वो आपको बार बार मुबारकबाद दे रहे थे तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता है कि मुझे मुबारकबाद दे रहे थे मैंने कहा ये मुझे पता है कि वो आपको बार बार मुबारकबाद दे रहे थे ग्यारह मरतबा तो उन्होंने कहा गिना तो नहीं लेकिन बहुत दफ़ा मुबारकबाद दी मैं खुद हैरान हो रहा था कि शवाद शरीफ मुझे मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं तो ग्यारह मरतबा जब शवाज शरीफ ने अली अमीन गंडापुर को मुबारकबाद दी तो मैंने उनसे पूछा आपने क्या कहा जवाब उनको कोई मुबारकबाद दी आपने कि आप वजीम बने उन्होंने कहा जी मैंने नहीं दी क्योंकि मेरी नज़र में ये वजीम बने ही नहीं मेरी नज़र में तो ये फॉर्म फोर्टी सेवन वाले हैं तो मैं तो वजी अजम मानता ही नहीं उनको मेरी तो सिर्फ मजबूरी ये है कि इस शख्स के दस्तखत के साथ मेरे सूबे का हक़ मुझे मिलना है तो इसलिए मैं उनके साथ काम करने पर मजबूर हूँ कि मैं अपने लोगों का हक़ नहीं छोड़ सकता लेकिन मुझे पता है कि ये इनकी गवर्नमेंट नहीं है मैंडेट इनके पास नहीं है पब्लिक का तो मैंने मुबारकबाद नहीं दी तो एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब चाह रहे थे कि एक मुबारकबाद जवाबन अली बीन गंडापुर भी दे दें ताकि प्रेस रिलीज़ का इसको हिस्सा बनाया जाए कि शहबाज शरीफ ने और अली अमी गंडापुर ने एक दूसरे को वज़र अजम और वज़ी अला बनने पर मुबारकबाद पेश की एक और चीज़ बताता हूँ ये भी जो वहाँ पर स्टाफ मौजूद ना फ़ोटो खींचने वाला वहाँ से खबर है कि जब ये खड़े हुए थे ना तस्वीर खिंचवाने के लिए तो मरीम नवाज़ के साथ अली अमीन गंडापुर की जगह रखी गई थी बीच में शबाश्री को खड़े होना था एक तरफ़ मरियम नवाज़ अकेली खड़ी थी और दूसरी तरफ उन्होंने बाकी लोगों को दोनों वजरे वज्र को खड़ा कर दिया था अली अमीन गंडापुर बाद में आए थे और वो जो स्टाफ है ना तस्वीर खींचने वाला उन्होंने बताया कि वो जानबूझ कर मरीम नवाज़ को अवॉइड करके दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा जी मेरी क्या जरूरत है इधर जाएँ तो वो जानबूझ कर उन्होंने अवॉइड किया यानी वो ये समझते हैं अली अमीन गंडापुर के इन लोगों के बीच में या इनके साथ खड़े होने का उनकी पार्टी में उनको कितना नुकसान और डैमेज हो सकता है बहरह एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ कि वज़ी अजम पाकिस्तान शबाज शरीफ साहब जब भी कभी मीटिंग के अंदर बैठते हैं तो कोई अहम बात करने लगते हैं तो मुड़ के महसिन नकवी साहब की तरफ देखते हैं कि जैसे इजाज़त तलब कर रहे हों या उनकी कॉन्सेंट चाह रहे हों या उनकी मंजूरी तलब कर रहे हों तो महसिन नकवी को बार बार देखते हैं शबाज शरीफ और मीटिंग्स के अंदर ऐसा महसूस होता है कि जैसे महसिन नकवी जो हैं वो मीटिंग को लीड कर रहे हैं और शहबाज शरीफ सिर्फ़ वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन देने के लिए बैठे हुए हैं ये वज़ी अजम इतना कमज़ोर और बेख्तियार होगा हमें आइडिया नहीं था कभी भी जजस को धमकी देने वाले मामले के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा कर दिया है कि फुल कोर्ट बना दिया जाए ये जो खतूत मसूल हो रहे हैं जजिस के धमकी के हवाले से इस पर यह कहा जा रहा है कि इसके ऊपर भी फुल कोर्ट तश्ल दिया जाए और इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बनना चाहिए जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने काजी फायदी साहब से मुतालबा किया है कि वो जो जजेस वाला मामला इससे पहले सुना जा रहा है जो छः जजेज़ ने ख़ लिखा था उस मामले से अपने आप को अलहदा कर लें और काजीफ़ फ़ायजय साहब उस मामले को ना सुने एक आखिरी खबर मैं आपको दे दूँ बुशरा बीबी के जहर के मामले के अंदर की व जो एक खबर आई थी कि उनको जहर दिया गया इस पर डॉक्टर आसिम ने उनको चेक किया उनके मालिज हैं उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को खाने में जहर देने के अभी असरात नहीं मिले उसकी वजह यह है कि उन्होंने कुछ टेस्ट करने के लिए इजाज़त मांगी है जब उनको टेस्ट करने की इजाज़त मिलेगी तो फिर वो कहते हैं मैं बता पाऊँगा कि प्रॉब्लम क्या था दूसरा वो ये कह रहे हैं कि दो महीने पहले की ये बात है दो महीने मुझे मौका नहीं मिला इनको चेक करने का अगर दो महीने पहले मुझे मौका मिलता तो मैं ज़्यादा क्लियरली बता सकता कि इनके साथ हुआ क्या है फिर उन्होंने कहा कि उनके मैदे में अभी भी जलन है उनकी तबीयत कुछ बेहतर है लेकिन फूड पॉइजनिंग के कोई असरात नहीं मिले एक और चीज़ उन्होंने कही कि इमरान खान की अहलिया की तबीयत दुरुस्त नहीं है सौ फीसद ठीक नहीं है उनके तफसीली टेस्ट होने चाहिए उम्मीद है जल्द टेस्ट होने की इजाज़त मिल जाएगी टेस्ट के बाद फ़ाइनल होगा कि उनकी तबीयत खराबी की आखिर वजह क्या थी अब इसके ऊपर बहुत शोर मचा मीडिया के ऊपर के जी दहर तो दिया ही नहीं गया ये क्यों बातें की जा रही हैं तो देखें ये डॉक्टर आसम है डॉक्टर अदनान नहीं है अगर कुछ सीखना है तो डॉक्टर अदनान से सीखा जाए कि कैसे प्लेटलेट्स नीचे करते हैं कैसे एक सेहतमंद आदमी को बीमार दिखाते हैं कैसे एक आदमी जो है उसके अंदर बीमारियों का इतना ज़्यादा एक हजूम तारी कर देते हैं उस आदमी के अंदर हर तरह की बीमारी दाखिल कर देते हैं और फिर उसको बीमार साबित करके इस मुल्क से बाहर ले जाते हैं तो ये तो डॉक्टर अदना नहीं कर सकते हैं डॉक्टर आसिम ये नहीं कर सकते और दूसरी बात यह है कि दो महीने पहले वाली बात है ये दो महीने के बाद कौन सा टेस्ट और कौन सी चीज़ जो है वो साबित करेगी कि इस शख्स के अंदर पॉइजनिंग के असरात हैं या नहीं हैं अल्लाह करे ऐसा ना हुआ हो यह उनका वहम हो लेकिन उन्होंने ये कहा है तो इस बात को फेंका नहीं जा सकता टेस्ट होने चाहिए अब तक लिए ही अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़